बार बार एक नारा लगता है कि दुष्यंत हमारा सीएम। चौधरी देवीलाल ने 60 साल संघर्ष करने के बाद सीएम पद हासिल किया था। नमस्कार के हरियाणा पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इनेलो में चल रही गुटबाजी को लेकर के जहां दोनों गुट अपने अपने शक्ति प्रदर्शन करने को बेताब हैं, तो वहीं आज अभय सिंह चौटाला ने भी आज कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग रखी है सिरसा में, और उनके समर्थन में अगर मैं गाड़ियों का काफिला आपको दिखाना चाहूं तो काफ़ी समर्थन अभय चौटाला को मिल रहा है। अगर मैं इस समय मैं खड़ा हूं गोरीवाला गांव में, यानी कि गोरीवाला, चौटाला, आसाखेड़ा, बारूखेड़ा, तेजाखेड़ा, ये तमाम ऐसे गांव हैं जिन्हें इनेलो का गढ़ कहा जाता है। यानी कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो इनेलो के प्रमुख हैं, सुप्रीमो हैं, वो चौटाला गांव से संबंधित हैं, और चौटाला गांव के आसपास के जो लोग हैं वो चौटाला को समर्थित हैं ज़्यादा। तो ऐसे में दोनों गुटों में ज़्यादा भीड़ किसको हासिल होती है, किसके साथ समर्थन जताते हैं, यहाँ पे अगर मैं आपको गाड़ियों का काफिला दिखाना चाहूँ तो ये देख सकते हैं, ये तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो चौटाला से लेकर के आसाखेड़ा और आसपास के जितने भी गांव हैं उन तमाम गांव से चौधरी अभय सिंह चौटाला के समर्थन में वहां पे उनका समर्थन करने के लिए जा रही हैं। कुछ एक लोग हमारे साथ यहां पे मौजूद हैं, मैं आपको इधर दिखाना चाहूँगा। लोगों को कुछ 5-7 गाड़ियों को रोक करके मैंने इन लोगों से आग्रह किया था कि एक बार वो रुकें, और चलिए इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, आज कहां जा रहे हैं, किस लिए ये मीटिंग का जो आयोजन किया गया है। सर आज आप कहां जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? पार्टी सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में अभय सिंह जी प्रतिपक्ष नेता सिरसा के अंदर एक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने जा रहे हैं, और उसमें एक मीटिंग का नाम था लेकिन पूरा का पूरा चौटाला गांव जो उनका पैतृक गांव है वो चौधरी देवीलाल का अपना एक इलाका माना जाता है। चौधरी देवीलाल के परिवार को संगठित मानते हैं और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पीछे पूरा का पूरा गांव खड़ा है, और आज पूरे गांव में ये खुशी है कि आज एक गाँव का एक एक बच्चा पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में जा कर के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के झंडे के तले सब लोगों को संगठित होकर के सब एक ही निशाना लगाएंगे कि एनक का निशान दबाएंगे और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में हरियाणा में पुनः सरकार स्थापित करेंगे। ये तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ही परिवार का ही मैसेज है, पार्टी के लिए है, गठबंधन की सरकार है ना, इसलिए इन्हें लोग बसपा का मीटिंग आई है। अच्छा, तो आज आप जा रहे हो, क्या आपको हिदायत दी गई है, किस तरह की चर्चा आज होने वाली है मीटिंग में? चर्चा तो यही है, अभी चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के साथ है, हम तो इसीलिए जैसे जा रहे हैं। कोई मीटिंग रखी गई है पार्टी के पीछे है, ताऊ देवीलाल के पीछे, चौधरी ओम प्रकाश की पार्टी के पीछे जा रहे हैं, पार्टी को मजबूत करेंगे। पूरा गांव चौटाला जा रहा है, पूरा का पूरा गांव, 120 गाड़ी गांव से निकली है, कम से कम 1000 के आदमी के लगभग बढ़िया। चलिए, 1000 गाड़ियों का काफिला यहां से निकलने की बात कही जा रही है, सर क्या कहना चाहेंगे आप? इनेलो जो है वो दो भागों में विभाजित हो चुकी है, खुल करके सामने आ चुकी है। जो सांसद हैं दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, तो उसके बाद आज जो ये मीटिंग है क्या कहना चाहेंगे?
देखिए जी, ऐसे है कि कुछ लोगों के बहकाव में आकर दुष्यंत जी पार्टी को छोड़ के ले चले गए। बार बार एक नारा लगता है कि दुष्यंत हमारा सीएम। चौधरी देवीलाल ने 60 साल संघर्ष करने के बाद सीएम पद हासिल किया था। आज अगर इस क्षेत्र के लोगों ने या किसी और क्षेत्र के लोगों ने, सभी बात करते हैं रोजगार चाहिए, वो चाहिए, हमारी खेती और किसानी खत्म हो रही है, उसके लिए भी हमारा किसान नेता कौन है? आज हम अभय सिंह के समर्थन में बिल्कुल इस गांव के सारे लोग, इस क्षेत्र के लोग, क्यों अगर हम साथ नए चले तो उत्तर भारत के किसानों का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ऐसे आदमी है कि जो अब तक किसानों को एक नेता बचे, जो प्रकाश सिंह बादल जी थे, बुजुर्ग हो चुके हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब सिर्फ एक ओम प्रकाश चौटाला से उम्मीद है कि वो हमारे हितों के लिए आगे बढ़ के उनकी पूर्ति करेंगे। दुष्यंत भाई ठीक है, ईमानदार है, लोग कहते हैं बढ़िया है, अच्छे हैं, मैं भी पर्सनली जानता हूँ अच्छे हैं, पर उनकी ये उम्र नहीं है। 25-25 साल के, 30-30 साल के जितने भी सीएम बने हैं, सभी फेले। अखिलेश यादव का क्या हाल हुआ? उन्होंने कभी सोचा है? जो 50 साल 40 प्लस के जो लोग हैं ना, वो दुष्यंत भाई के साथ नहीं जाएंगे। अगर जाते हैं तो मेरे हिसाब से सारा सिस्टम ही खराब है। चलिए सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बस कुछ नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की मीटिंग, हम तो चौधरी चौटाला ओम प्रकाश चौटाला के साथ हैं। चौधरी देवीलाल की पार्टी है, जो उनका आदेश है उसका मान्य होगा। चलिए शुक्रिया। तो यहाँ पे साफ तौर पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लोगों ने किसी का भी समर्थन नहीं किया। लोगों का कहना है कि जिसके पास चश्मे का निशान होगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो नाम होगा वो उनके साथ हैं, ना वो अभय चौटाला के साथ हैं, ना वो दुष्यंत के साथ हैं, लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ हैं। जहाँ ओम प्रकाश चौटाला कहेंगे वहाँ वो वोट डालेंगे, एनक के निशान पर वो वोट डाल करके आने वाले समय में जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनाने का यहाँ पे दावा लोगों के द्वारा किया जा रहा है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आज जो शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है अभय चौटाला के द्वारा, एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, उसमें चौटाला और चौटाला के आसपास के गांव से हजारों की संख्या के अंदर गाड़ियों में लोग बैठ करके वहां पे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने जा रहे हैं। कैमरा सहयोगी मुकेश बनीवाल के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।